अपने घर नवा एसी लवाया, पूरी फैमिली नू पेत निकल आई, पागल ने पुठा लवाता। घर में मेहमान आए हैं साई। कौन? फिल्म स्टार नूर हमारे घर में बैठी है। हुन सुना, हुन सुना, गई ना पति? ओए मारी ना जाइयो। मैं मेरा सही तारुफ करा। गलत बात नहीं करनी, बड़ी इधर आओ आपका तारुफ करवा। बड़ी मुश्किल से आई है हमारे घर में। ओए आ गया। हाँ भाई। वो बोलता भी है। हाँ जी हाँ जी, काली काली सेल चेंज करवा। वो भैया रुपया दा स्कूटर ले गया ना, वो दे होते हो जो ड्राइवर बैठा होगा। आराम से, बदतमीजी से नहीं, आराम से। आप खुद साईं। मैं फिल्म चला सकता जी? नहीं। ओके बट थैंक यू वेरी मच। फिल्म च नहीं आ सकता? नहीं नहीं। शक्ल दी वजह तो? नहीं नहीं, हर कोई वजह की है। कोई भी नहीं। उन्होंने ये बोले कि तुम बहुत बड़े फिल्म स्टार हो। कुछ भी कह दे, कुछ भी कह दे, तुम बहुत बड़े बिजनेसमैन हो। बहुत बड़े खैराती हो तुम, वो जो मांगते हैं वो। चलो हम ऐसे करते हैं, ये कह देते हैं कि तुम बहुत बड़े बिजनेसमैन हो और तुम इनकी फिल्म में कोई पैसा वैसा लगाना चाह रहे हो ना? पैसा बहुत बोबे लगा देंगे, रकमें लगा देंगे। किस तरह की फिल्म बनाना चाह रहे हो तुम? तुसी बाहर साडे पाकिस्तान का नाम हो, अल्लाह ने तुहानू इन्नी इज्जत दित्ती आ, हाँ तुहानू एक चीज गिफ्ट करनी है। जा जावे तैनू डेंगी दिता, दे दिता अल्लाह वास्ते, एनू हुण मारी ना खुदा दे वास्ते। वेख कैसी अच्छी गल की थी, भावे डेंगी इत्थे ते बैठांगा ना। मैं काउंसलर हूं जी, पिछले दिनों मैं बीमार हो गया था। अच्छा? हाँ जी, डॉक्टर ने चेकअप किए तो उसने बताया। क्या क्या क्या? उसने कहा तुम्हें तो कोई बीमारी नहीं है, फिर तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा है, तुम्हें नूर चाहिए। इतना बेसब्रा ना हो साईं। नहीं, वो ना नूर जो है ना, नूर ये हमारे घर में ना किराएदार ले, वो कमरा नहीं जो वो वाला गड़ा गड़ा, वो हम किराए पे दे रहे हैं नूर को। वेरी गुड, दे 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 दे, मैं पीछे तो अभी तरी नहीं है, अभी तरी रहेंगी। अच्छा आगी, अच्छा चलो निकलो। क्या हाल क्यों नहीं देते से बाहर? उसे क्यों बता रहे हो कि वो यहाँ रहने आ रही है? क्या तुम्हें? चलो ये तो बातें होती रहेंगी। ओके तो शादी की तरफ से ना ही समझू मैं? इंसान अपनी शक्ल देखता है फिर बात करता है ऐसी वैसी। तुम निकल जाओ यहाँ से बाहर, बदतमीज। शक्ल नहीं? नो no. हम हसीन होने का दावा तो नहीं करते वसी, मगर हाँ जिसको आंख भर के देख ले उसे उलझन में डाल देते हैं। किस तरह का शेर बोल के गया है? शेर अच्छा था, समझ हमें नहीं आई। मैडम अब आपके लिए। हो जो मेरी आंखों से दूर, वाह वाह, दफा हो जो मेरी आंखों से दूर, किया आले नूर। यार दोनों ने आज इतनी मैचिंग क्यों की हुई है? बस वैसे ही, ये मांग के लाए हैं, मैं खरीद के लाया। जी क्या खाएंगी आप? जो भी खिलाते हैं आप। नहीं नहीं, फिर भी सैलेड। सैलेड सिर्फ? जी ज़ाहिरी बात है, स्मार्ट है। सैलेड छोड़ दें, खुदा का वास्ता। क्यों? 20 साल पहले एक बंदा सैलेड खाता था, इतना सा रह गया। ओके एंकरिंग करती हैं और बहुत टाइम के ऊपर ऐसे होता है कि आप एंकरिंग कर रही होती हैं और कभी कभी मतलब फील बदी जस्ट आ रहा होता है आपके पास कुछ ज़हन में। हाँ। लेकिन आप उसके सामने ये बोल नहीं सकती। कभी कभी ये होता है कि कोई लोग नहीं पसंद होते, उनका भी इंटरव्यू करना पड़ता है। और उस वक्त दिल जो हो रहा था ना, वो कह रहा होता कि बस ये अल्लाह, ये कि अल्लाह ये कि कौन सी जॉब कर रही हूँ मैं। ऐसा भी हुआ है। फिर उसके बाद अक्सर ये भी होता है, कभी कोई पॉलिटिकल इंटरव्यू अगर किसी का किया जाए तो कुछ सवाल मैं, बिकॉज मैं बिल्कुल डायरेक्ट बात कर देती हूँ, तो लोग अक्सर माइंड भी कर जाते हैं। अच्छा कौन सा ऐसा इंटरव्यू दैट यू गिवन दैट अब यू टेकन कि जिनके ऊपर यू कहे दैट वाज द बेस्ट इंटरव्यू दैट यू हैव एवर टेकन? किसी कौन सी पर्सनालिटी मजा आया जिसके साथ बात करके? बात करके मुझे मुस्तनसर हुसैन तारर साहब ने इंटरव्यू करके। अपने घर नवा एसी लवाया, पूरी फैमिली नु पेत निकल आई, पागल ने पुठा लवाता। घर में मेहमान आए हैं साई। कौन? फिल्म स्टार नूर हमारे घर में बैठी है। हुन सुना, हुन सुना, गई ना पति?
ओए मारी ना जाइयो है। मैं मेरा सही तारुफ करा। गलत बात नहीं करनी बड़ी। इधर आओ या आपका तारुफ करवा। बड़ी मुश्किल से आई है हमारे घर में। ओए आ गया। हाँ भाई। वो बोलता भी है। हाँ जी हाँ जी। काली काली सेल चेंज करवाओ। वो भैया रुपया दा स्कूटर लिए ना। हाँ। वो तो हो जाए ड्राइवर बैठा होगा। आराम से बदतमीजी से नहीं। आराम से। आप खुद साईं। ये बोले कि तुम बहुत बड़े फिल्म स्टार हो। कुछ भी कह दे। कुछ भी कह दे। बहुत बड़े बिजनेसमैन हो। बहुत बड़े खैराती हो तुम। वो जो मांगते हैं वो। चलो हम ऐसे करते हैं, ये कह देते हैं कि तुम बहुत बड़े बिजनेसमैन हो और तुम इनकी फिल्म में कोई पैसा वैसा लगाना चाह रहे हो ना। पैसा बहुत बोबे लगा देंगे, रकमे लगा देंगे। किस तरह की फिल्म बनाना चाह रहे हो तुम? तुसी बाहर साडे पाकिस्तान दा नाम हो। अल्लाह ने तुहानू इन्नी इज्जत दित्ती आ। हां तुहानू एक चीज गिफ्ट करनी है। जा जावे तैनू डेंगी दित्ता दे दित्ता अल्लाह वास्ते एनू हुण मारी ना खुदा दे वास्ते। वेख कैसी अच्छी गल की थी। पावे डेंगी इत्थे ते बैठा ना। मैं काउंसलर हूं जी। पिछले दिनों मैं बीमार हो गया था। अच्छा। हां जी। डॉक्टर ने चेकअप किए। ओहो ओए होए। तो उसने बताया क्या क्या क्या? उसने कहा तुम्हें तो कोई बीमारी नहीं है। फिर तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा है, तुम्हें नूर चाहिए। इतना बेसब्रा ना हो साईं। वो ना नूर जो है ना नूर ये हमारे घर में ना किराएदार ले वो कमरा नहीं जो वो वाला गड़ा गड़ा वो हम किराए पे दे रहे हैं नूर को। वेरी गुड। दे 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 दे। मैं पिछोड़े तो अभी तेरी नहीं है। अभी तेरी रहेंगी। अच्छा चलो क्यों यहाँ रहने आ रही है क्या तुम्हें? चलो ये तो बातें होती रहेंगी। ओके तो शादी की तरफ से ना ही समझू मैं। इंसान अपनी शक्ल देखता है फिर बात करता है ऐसी वैसी। तुम निकल जाओ यहाँ से बाहर बदतमीज। शक्ल नहीं नो no. हम हसीन होने का दावा तो नहीं करते वसी, मगर हाँ जिसको आंख भर के देख ले उसे उलझन में डाल देते हैं। किस तरह का शेर बोल के गया है? शेर अच्छा था, समझ हमें नहीं आई। मैडम अब आपके लिए। दफा हो जो मेरी आंखों से दूर। वाह वाह। दफा हो जो मेरी आंखों से दूर। किया आले नूर। यहाँ दोनों ने आज इतनी मैचिंग क्यों की हुई है? बस वैसे ही ये मांग के लाए हैं, मैं खरीद के लाया। जी क्या खाएंगी आप? जो भी खिलाते हैं आप। नहीं नहीं फिर भी सैलेड। सैलेड सिर्फ जी। ज़ाहिरी बात है स्मार्ट है। सैलेड छोड़ दें खुदा का वास्ता। क्यों? 20 साल पहले एक बंदा सैलेड खाता था। इतना सा रह गया। ओके एंकरिंग करती हैं और बहुत टाइम के ऊपर ऐसे होता है कि आप एंकरिंग कर रही होती हैं और कभी कभी मतलब फील बदी जस्ट आ रहा होता है आपके पास कुछ ज़हन में। हाँ। लेकिन आप उसके सामने ये बोल नहीं सकती। कभी कभी ये होता है कि कोई लोग नहीं पसंद होते उनका भी इंटरव्यू करना पड़ता है। और उस वक्त दिल जो हो रहा था ना वो कह रहा होता कि बस ये अल्लाह ये अल्लाह ये कि कौन सी जॉब कर रही हूँ मैं। ऐसा भी हुआ है। फिर उसके बाद अक्सर ये भी होता है कभी कोई पॉलिटिकल इंटरव्यू अगर किसी का किया जाए तो कुछ सवाल मैं बिकॉज मैं बिल्कुल डायरेक्ट बात कर देती हूँ तो लोग अक्सर माइंड भी कर जाते हैं। अच्छा कौन सा ऐसा इंटरव्यू दैट यू गिवन दैट अब यू हैव टेकन कि जिनके ऊपर यू कहते दैट वाज द बेस्ट इंटरव्यू दैट यू ever taken kisi kaun si personality maza aaya jiske sath baat karke mujhe Mustansar Hussain Tarar sahab ne interview karke oh.